Okay, so the next card that we have is imprisonment या slavery. देखिए, जेल जैसा कुछ सीन दिख रहा है इस कार्ड में. जो डोर दिख रहा है वो ऐसा जैसे जेल्स में होते हैं, बार्स लगे हुए हैं. देखिए, यस मैम। राइट. तो ये कार्ड ये बताता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ का कुछ समय जेल में बिताया है. जेल में बिताया है का मतलब जरूरी नहीं है कि आप जेल में ही रहे हो. कई बारी इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपके नैतिक अधिकार हैं, जो जीवित होने के दौरान आपके होने चाहिए, वो भी आपसे छीन लिए गए थे. जैसे बोलने का अधिकार, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का अधिकार और स्वतंत्र रहने का अधिकार, ये अधिकार भी आपसे छीन लिए गए थे. तो अब आप फ्री हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे डर और इनसिक्योरिटीज आपके मन में हैं. जैसे हो सकता है ऐसे में कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया डेवलप हो जाए. क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसी मेंटल एलिमेंट है जिसमें अगर आप किसी को एक रूम में बंद करें तो वो डर जाते हैं. बंद जगह से उन्हें घबराहट होती है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ में उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि जिससे वो उस स्पेस में कंफाइंड नहीं रह पा रहे हैं. ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्टॉकहोल्म सिंड्रोम या ऐसी कोई बीमारी डेवलप कर ली हो जहां पे वो एक्सपीरियंस करते हैं. बहुत ज्यादा कंपैशनेट उन लोगों के लिए हो जाते हैं जो सफर कर रहे हैं, उनके लिए अचानक से बहुत दया आ जाती है. फिर हो सकता है कि ऐसे लोग जानवरों की सेवा करें या और ज्यादा प्यार और जस्टिस लेकर आए दुनिया में, या हील करें दूसरों के फियर्स को, हील करें. तो ये सारे चीजें उनको कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ से ये पैटर्न्स आए हैं और उसे वो रिलीज कर रहे हैं अपनी इस लाइफ में. फिर जो डिटेल्स हैं पास्ट लाइफ के, उन्होंने वो क्यों सेट किए जाते हैं जिससे कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुद को उन बंधनों से मुक्त कर पाए. आप अपने आप को उन सारे बंधन से, सिम्टम्स से मुक्त कर पाए. तो एक पॉजिटिव अप्रोच रख के आप जब दूसरे की ओर कंपैशनेट होते हैं, दूसरे को हील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को भी हील कर रहे हैं. अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके अपने जीवन पे इतना पड़ता है कि आप अपने कर्मों को हील कर लेते हैं. सो दैट इज हाउ दिस टेक्स प्लेस. Thank you.